वर्षा से बहा गाढ़वाल, आवागमन हुआ प्रभावित, ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर किया आने जाने का प्रबंध। ग्रामीणों ने संवेदक पर लगाया मंद गति से काम करने एवं निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करने का आरोप। पीरटार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बदगावा स्थित खुखरा से तोपचाची भाया मधुकट्टा कुंड को डुमरिया टाण कच्चा मार्ग अत्यंत जर्जर खस्ता हाल एवं अनगिनत बड़े बड़े गड्ढे युक्त है। इसी मार्ग के बगल में उच्च विद्यालय बदगावा का भी संचालन हो रहा है, जहां पर वर्तमान में 300 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। विद्यालय के बिल्कुल पास स्थित मार्ग पर बना गाढ़वाल पिछले दिनों लगातार होने वाली वर्षा के कारण बहकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके किसी तरह से चलने लायक बनाया। गाढ़वाल बहने के कारण लगभग 15 फीट चौड़ा मार्ग फिलहाल मात्र 2-3 फीट का पगडंडी में परिवर्तित हो गया है। विकल्प नहीं होने के कारण अपनी जान जोखिम में डालकर लोग इसी मार्ग से आवागमन करने को विवश हैं। सैकड़ों विद्यार्थी एवं हजारों राहगीर अपनी जान हथेली में लेकर प्रतिदिन इस मार्ग से गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त मार्ग के कालीकरण का काम पिछले लगभग 6 महीनों से चल रहा है, लेकिन संवेदकों एवं अन्य संबंधित लोगों के कारण काम अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। लोगों ने सड़क निर्माण में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने एवं भ्रष्टाचार करने की बात कहते हुए जिला प्रशासन से निर्माण कार्य की जांच करवाने का आग्रह किया है। बताते चले कि हाल ही में गाढ़वाल बहने से उक्त महत्वपूर्ण मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था। फिलहाल मार्ग एवं गाढ़वाल का निर्माण कार्य चल रहा है, जो गुणवत्ता की कसौटी पर स्थानीय लोगों के संदेह के घेरे में है। पीरटार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बदगावा में हूँ और एक उच्च विद्यालय यहाँ पास में ही संचालित है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक उच्च विद्यालय का संचालन हो रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा एक मार्ग और इसकी स्थिति। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखें, ये एक मार्ग है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये एक कालीकरण मार्ग है। आप देखें, पिछले दिनों होने वाली मूसलाधार वर्षा ने इस मार्ग पर बना जो गाढ़वाल है मार्ग को पूरी तरह से बहा दिया, और उसके बाद जो मार्ग शेष रह गया है वो मात्र 2-3 फीट का एक संकीर्णतम मार्ग के रूप में बदल गया है। बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा आवागमन इस मार्ग से लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। बच्चे जो छोटे छोटे हैं, उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले, वे सब के सब इसी मार्ग से होकर आते और जाते हैं। बहाव के कारण मार्ग की जो क्षतिग्रस्त स्थिति है उसका आप अवलोकन करें, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरह से यहां पर बहाव हुआ है। इस समय मेरे साथ यहां पर स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि हैं और यहां के कुछ लोग भी हैं। थोड़ा सा आप इधर आएं और हम बात करवाते हैं यहां पर जो लोग हैं उनसे, और उनके प्रतिक्रिया लेकर जानने का प्रयास करते हैं कि समस्या किस तरह से हो रही है। आप थोड़ा पास आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम महतो। घनश्याम जी, आप बदगावा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि हैं। जी हाँ। ये जो रोड है इसके बारे में संक्षेप में बताइए, कहाँ से कहाँ तक ये मार्ग जाता है? ये रोड मैंने खुखरा से तो चांची के बीच तो मधुकट्टा है, मधुकट्टा से कुणको सीमाना टच करती है यहाँ डुमरिया टाण। क्या समस्या आप लोगों को हो रही है इस मार्ग को लेकर? इस रोड में तो जितना समस्या आज से पहले था जितना भी था हम लोग झेलते आए हैं, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण आज साल भर से ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। वो धीमी गति से काम कर रहा है। ठेकेदार से मेरा भी आक्रोश है जरा कि बहुत गलत ढंग से काम कर रहे हैं। सही जो इसका इस बीच कैमरामैन दिखे हैं आप, किस तरह से एक बाइकर जो है वो उस मार्ग से होकर अपनी गाड़ी को लेकर आए हैं, जरा सा उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तो आप इधर, क्या नाम है आपका? मेरा योगेश। योगेश जी, बाइक चला के इस मार्ग से आए, कैसा लगा? खराब लगा, गिरने का डर लग रहा। डर है फिर भी आप चल रहे हैं, क्यों?
जरूरी है, मजबूरी है, आना चाहते घर। और कोई रास्ता नहीं? और नहीं कोई रास्ता नहीं। खतरा है रास्ते में चलने में? बहुत खतरा है। तो जान को जोखिम में डालकर लोग आवागमन करने को विवश हैं, मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर एक और स्थानीय जनप्रतिनिधि है, आप थोड़ा पास आएंगे। राम सागर किसकू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि तुयो पंचायत के मुखिया है। किसकू जी, जोहार। मार्ग की स्थिति अत्यंत जर्जर है। मुखिया प्रतिनिधि बदगावा ने बताया कि ठेकेदारों के द्वारा जो काम है वो बहुत ही मंद गति से चल रहा है, प्लस कुछ मनमानी हो रहा है, कुछ अनियमितता बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? देखिए, इसमें हम विशेष फोकस करना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मैंने ये रोड को दुरुस्त करें, और बच्चा का भविष्य तो अंधकार में जीता जा रहा है। और इस रास्ता देखिए, अब भारी बारिश में जो ये डायवर्सन बनाया है वो भी भारी बारिश में बह गया, इसके वजह से तत्काल इनको देखना चाहिए और डायवर्सन को सुधार करना चाहिए। चलिए, ये जो गार्डवाल बना है वो उसकी स्थिति के बारे में बता रहे थे मुखिया ग्राम पंचायत तुयो। हमारे साथ यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं। सबसे पहले आपकी बात करवा देते हैं इस उच्च विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक से। आइए सर, थोड़ा पास आइए। हमारे साथ उच्च विद्यालय बदगामा के एक शिक्षक जुड़ रहे हैं, जरा सा उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है, क्या नाम है? मेरा नाम शंकर प्रसाद राम है। शंकर जी, आप कहाँ से आते हैं? हम आते हैं धनबाद। धनबाद से पढ़ाने के लिए क्या आप यहाँ पर रोज आते हैं? जी, रोज आते हैं। धनबाद से हमारे साथ यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक हैं वो जुड़ रहे हैं। सर, आप यहाँ पर रोज आवागमन करते हैं, बीहड़ इलाका है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, रोड और सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है, किस तरह से आवागमन आप लोगों का हो रहा है और किस तरह से बच्चे आ रहे हैं? इधर रास्ता काफी खराब है, यहाँ तो कुछ दिन पहले ये पुल पूरी तरह से बह गया था। ये ग्रामीणों के सहयोग से ही ये जो 2-3 फीट का नजर आ रहा है वो ग्रामीणों के द्वारा ही किया अच्छा, गया है। तो वो जो 2-3 फीट मार्ग बचा हुआ है शेष, वो भी ग्रामीणों के वजह से रिपेयर किया गया है, वरना तो आदमी वहाँ पर उतर के फिर इसको यहाँ चढ़ के पार करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चों को भी पानी, चूंकि बारिश हो रही थी तो बच्चों को भी बहुत दिक्कत हो रहा था कि कहीं बारिश में बच्चे न बह जाएं। हम लोग यहाँ उसको मतलब देख रेख भी करते थे कि बच्चे ठीक से पार हो सके। आप तो एक बुद्धिजीवी हैं सर, आप शिक्षित हैं, आप क्या कहना चाहेंगे प्रखंड और जिला प्रशासन से? पथ निर्माण विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो आपको सुन रहे हैं, समस्या काफी गंभीर है, क्या आप आग्रह करना चाहेंगे उन लोगों से? क्योंकि सैकड़ों विद्यार्थियों के आवागमन का सवाल है, हजारों ग्रामीण और राहगीर आते जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन रास्तों को जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि ये सुदूर इलाका मतलब मुख्य मार्ग से जुड़ सके और बच्चे ठीक से विद्यालय भी आ सके और ग्रामीणों को भी सुविधा हो कहीं आने जाने में, बाजार आने जाने में। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन आपकी आग्रह और आपके रिक्वेस्ट को सुनेंगे। बाबा रुकिए रुकिए रुकिए, बाबा की नाम हो? हेमलाल महतो। महतो जी, रोड की स्थिति तो बहुत खराब है, रोडवा बह गए। तो आगे जाने में तो दिक्कत हुए ने? बहुत दिक्कत हुए है। तो रोड बने चाहिए कि ना? रोड तो बने चाहिए लेकिन बनेबेन करे। रोड तो बने चाहिए लेकिन बनेबेन करे, कहना है एक सीधे साधे ग्रामीण का। आप स्थिति का अवलोकन खुद कर सकते हैं, लगातार वाहनों का आना जाना इस मार्ग से होता रहता है। जोहार जोहार, ये स्थिति है। तो तस्वीरें आपको हैरान कर देगी, गार्डवाल पूरी तरह से बह गया है। समस्या लोगों को हो रही है आने जाने में, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन मामले का संज्ञान लेगी। धन्यवाद। थोड़ा सा हमको बात थोड़ा करने दीजिए, क्योंकि हम मुंशी हैं। निर्मल महतो मुंशी। मुंशी जी, ये रोड का हालत इस तरह से है, लोगों को दिक्कत हो रहा है, क्या कब तक बनेगा? हाँ देखिए, बारिश तो हुआ है, बारिश में हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो ऊपर वाला का अथी हुआ बह गया, अगर जो बह गया तो मुंशी का और ठेकेदार का इसमें है जिम्मेवारी है, तो इसमें हम सरियाने के लिए हम आज जेसीबी मेरा आ रहा है। कितना जल्दी बन जाएगा? आज हम दोपहर को हम पूरा इसको कम्प्लीट करके और इसको हम जो है ना ये डस्ट भी डाल देंगे। काम ठीक से हो रहा है या किसी तरह का कोई घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है? ना ना, कुछ नहीं, उसमें कोई भ्रष्टाचार और कोई अथी घोटाला भी नहीं है। काम ठीक से हो रहा है? हाँ, काम सही से हो रहा ठीक है। से लग रहा है? हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ का ग्रामीण काम करे, ग्रामीण के द्वारा जो हम बोलते हैं, ग्रामीण यहाँ मसाला मिलाता है, हर चीज व्यवस्था देता है, वो सब ग्रामीण करता है। उन लोग को हाजिरी मिलता है, हाजिरी देते हैं, ग्रामीण से काम करवाते हैं। इसमें हम डायरेक्ट बोलते हैं कि जे देखिए, ज्यादा बालू भी नहीं देना है,
और जो मीडियम ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? पांचू तुरी नाम है। बोलिए क्या कहना है? हमारा कहना यही है, पुल शुरू होने में आज 6 महीना बीत रहा है। अच्छा, 6 महीना बीत रहा है, 6 महीना में अंतर्गत काम शुरू, रनिंग काम अभी मात्र वही 16-17 की 20 दिन काम हो रहा है और शुरू करने में 6 महीना बीत रहा है। 6 महीने से काम चल रहा है? 6 महीना से चल रहा है काम। बहुत मंद गति है। मंद गति से। अच्छा, ये बताइए कि रोड का निर्माण से आप लोग खुश हैं? ठीक से काम हो रहा है या कोई दिक्कत है? नहीं, काम तो जैसा हो रहा है तो ठीके से हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन काम रनिंग नहीं करवा रहा है ये मुंशी। हाँ, तो धस जाएगा रोड, तो कहाँ से पब्लिक जी पाएगा? तो आप लोग क्यों नहीं मना की बात किए? बात हम लोग किससे करेंगे? ठेकेदार सामने रहता नहीं, ठेकेदार सामने रहेंगे तब मुंशी अपना वेटनरी दिखाने लगता है।